हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कविता चैनल आज हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओके स्टार्ट करें रजिस्ट्रेशन के बारे में ओके न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब जीएसटी तो आ गया है अब उसमें रजिस्ट्रेशन भी करवाना ज़रूरी है है ना अब उसमें किसे रजिस्ट्रेशन करवाना है कैसे प्रोसीजर रहेगा जी एस कितने डिजिट्स का है और कैसे कैसे है एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेट्स स्टार्ट लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन जी नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्लस सिक्किम जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एग्रीगेट टर्न ओवर रिक्वायरमेंट है टेन लैख रेस्ट ऑफ इंडिया ट्वेंटी लैख मीन्स मिनिमम टेन लैख मैक्सिमम ट्वेंटी लैख रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिक्किम जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरा उत्तराखंड

Proof of principle, bank statement, and authorization form. Okay. Then if additional information is required, then form GSC registration 3 will be issued to you. Fine. If you have provided all required information, GSC registration 1 or form GSC registration 4, a certificate or registration issue ho jaega, GSC registration 6 will be issued. थ्री वर्किंग डेज रिसिप्टी रजिस्ट्रेशन और, तो और यह मैंने फॉर्मेट बनाया है Then, से अच्छे से हमें और समझ में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेजिस्ट्रेशन वन पार्ट ए पैन नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको देना होगा किसे? जीएसटी पोर्टल देन पैन नंबर आपका वेरीफाई होगा ओटीपी नंबर जनरेट हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन हो जाएगा देन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा देन फॉर्म जी एस टी रजिस्ट्रेशन वन जिसका पार्ट बी सबमिट हो गया आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल गया एंड देन आपसे सामने वाले जी एस टी पोर्टल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिल गया देन उसके अगेंस्ट में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स गिवन करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन टू में आपको अक्नोलेजमेंट मिल जाएगा प्रूफ ऑफ रिसिप्ट कि हाँ भाई जी एस टी पोर्टल में गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को आपके डॉक्यूमेंट्स आपके डिटेल्स रिसिप्ट हो गई है इफ डिटेल्स आर कम्प्लीट एंड सैटिस्फैक्ट्री यस देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा देन आपको रजिस्ट्रेशन सिक्स इशू हो जाएगा अदरवाइज नो no. तो रजिस्ट्रेशन थ्री आपसे और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स uh, के डिमांड की जाएगी एंड रजिस्ट्रेशन फोर प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स और अगर कुछ भी इनकम्प्लीट रहा या सेटिस्फैक्शन नहीं रहा तो रजिस्ट्रा रह फाइव में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा ओके okay? तो ये पूरा स्टेप है Then, six में आपको फाइनल आपको सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा टेन कोई इन कैटेगरी है जो जिस कैटेगरी में आते हैं उन्हें ये सारे फॉर्म्स फिल करने होंगे ओके सो द रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट आर बेस्ड ऑन सर्टिन रिगार्डिंग सम बेसिक प्रिंसिपल लाइक अब कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं देयर विल बी लिमिट ऑफ टर्न ओवर बिलो विच वुड नॉट बी इज इन्वॉल्व इन इंटर स्टेट सप्लाई और लिमिट ओके एनी वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम हिज कस्टमर एंड ही कैनोट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी माइड ही पेड ऑन हिज परचेज अनरजिस्टर है कस्टमर से आप रिसीव uh, भी नहीं कर सकते हो रिसीव नहीं किया है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी डिमांड नहीं कर सकते देयर विल बी अनादर थ्रेस होल्ड विच विल बी हायर देन द एगन थ्रेस होल्ड अंडर द विच अर डीलर है ऑप्शन टू एक कंपाउंडिंग स्कीम भी है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें आप कंपाउंडिंग स्कीम के बारे में जान सकते हैं उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा कंपाउंडिंग स्कीम के कैटेगरी के अंदर जो आते हैं उनका टर्न ओवर फिफ्टी लैख से ज़्यादा नहीं होता और उनका टैक्स रेट कम से कम वन परसेंट और मैक्सिमम फोर परसेंट होता है और उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फैसिलिटी नहीं मिलता है और वो सिर्फ विद इन अ स्टेट ही ट्रेडिंग कर सकते हैं बाकी डिटेल्स के लिए आपको वीडियो देखना होगा

पैन नंबर बेस्ड होगा और 15 डिजिट्स का होगा दैट इज कॉल्ड जीएसटी आईएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अब ये देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा वन टू स्टार्टिंग के दो नंबर स्टेट कोड होगा 10 डिजिट्स का पैन नंबर होगा 13 डिजिट्स का एंटिटी कोड होगा 14 ब्लैंक रहेगा 15 कैरेक्टर अब इसका डिटेल्स देखते हैं टू एक्सप्लेन द स्टेट कोड अब ये स्टेट कोड की अगर आप राजस्थान स्टेट में कर रहे हैं तो हर स्टेट का यूपी एम पी हर स्टेट कोड मेंशन होगा और पैन नंबर आपका कॉमन रहेगा एंटिटी कोड डिफाइन करेगा कि आपका कौन सा बिजनेस है फाइन अब इसको हम और एग्जाम्पल से देखते हैं एक रफली आपको बता दो जैसे कि एक ए बी सी कंपनी है वो गारमेंट और शू का भी उनका काम है और वो अलग अलग स्टेट में वर्क करते हैं तो स्टेट तो यहाँ डिस्क्राइब हो जाएगा एंटिटी कोड उनका बता देंगे कि शूज uh, का है तो उसका एंटिटी कोड अलग होगा गारमेंट्स का बिजनेस है उसका एंटिटी कोड अलग होगा ठीक है तो एंटिटी कोड फाइन देन अब हम आते हैं आगे एग्जाम्पल पे देखते हैं नाउ आई विल एक्सप्लेन द एंटिटी कोड देखे सबसे पहले तो स्टेट कोड में कोई दिक्कत नहीं है स्टेट कोड आपका जो स्टेट के अकॉर्डिंग ये डिस्क्राइब रहेगा राजस्थान स्टेट का अलग एमपी का अलग यूपी का अलग

जीएसटी एंड फॉर इुटवेयर डिविजन ब्रांडेड क्लोथ एंड सेम कंपनी नाम है एबीसी लिमिटेड और इनकी दो डिविजन है फुटवेयर डिविजन एंड ब्रांडेड इनका एंटिटी अलग अलग हो गया तो इनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा दैन नाउ द रोल ऑफ एंटिटी कोड एक्शन द स्टेट कोड एंड पैन नंबर रिमेन्स सेम उसमें कोई चेंज नहीं होगा चेंज किस में होगा एंटिटी कोड विल भी डिफरेंट वाइट

The entity code will be 1 to 9, then A to Z.

मैनुअली हम इनपुट करेंगे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम अगर ट्रैफिक uh, रूल्स को फॉलो नहीं करते ट्रैफिक रूल हमें तोड़ा तो हमारा लाइसेंस पुलिस uh, ले लेंगी वह उनके पास चला जाएगा पंच हो जाएगा देन हमें फिर पे पेनल्टी पे करके अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा तो आपने एक चीज हमेशा नोट करी जो हमारा लाइसेंस बार पंच हो जाता है तो उस पर स्टेपलर के निशान हो जाते हैं एक बार पंच हो गया दूसरी बार अगर हमने वापस हम पकड़े गए तो वो जो कार्ड जो वापस इंस्पेक्टर देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि ये पहले भी इन्होंने रूल तोड़ा है क्योंकि तो वो पंचिंग मशीन पहले से अटैच है तो वही चीज़ यहाँ पे चेक डिजिट फॉलो है कि अगर आपने कुछ भी एरर करा कुछ भी डिटेक्ट किया आपने फॉलो रूल्स नहीं अपनाए तो आपको इन मैनुअली उसमें एरर लिख दिया जाएगा तो इट इज़ यूज टू चेक फॉर एरर इन कंप्यूटर जनरेटेड डाटा रिकॉर्ड में रहेगा कहने का मतलब ये कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो उसका जो भी लिखना होगा वो उसमें उनके अगेंस्ट लिखा जाएगा इट विल बी रैंडम डिजिट लोकली सिलेक्ट ऑन द बेसिक ऑफ द अदर फोर्टीन नंबर कंटेन द जी एस टी एन एंड विल हेल्प टू डिटेक्ट मिस टाइपिंग एंड अदर एर देर विल बी अ कॉमन जीएसटी पोर्टल जी एस टी पोर्टल सबके लिए कॉमन रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज आप कहीं पर भी कैसे भी करो सारी डिटेल्स आपको एक जगह मिल जाएगीवरी थे टैक्स पेयर एंड द रिवेन्यू डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर जन रजिस्ट्रेशन एंड जी एस टी टू बी मेड विद इन थर्टी डेज इन द जी एस टी पोर्टल द प्रोसिजर ऑफ रजिस्ट्रेशन बी एस फॉलो

किसमें आपको फॉर्म सिक्स मिल जाएगा फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिक्स इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड द रिपोर्ट दट्लीकेशन वुड इन्वॉल्व ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ पैन द पैन डिटेल्स फाइल इन देशन फॉर्म वुड बी फर्स्ट वेरिफाइड रियल टाइम from the income tax department database and only then will the application be present this online verification system shall also the Aadhaar number and see, Aadhaar number key base pa the information catch ki this is a step towards greater transparency will have the prevention detection of fraud existing taxpayers who are registered under the respective state VAT law or service tax department would not have to apply for registration of fresh there will be a system whereby the existing database will be migrated to the GST database Suppose 10 columns have to be filed in case of new GST registration. In case all registrants, the old database shall be migrated and it fills 6 out of 10. Now data in the remaining 4 columns would only be required to be filed for registration under GST. It is obviously that data migration would require a lot of time and resources and may lead to several complications and may pose a big challenge.

आपका कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग वुड बी गिवन टू द एसएससी को एक बार मौका दिया जाएगा सुनवाई का रिस्क प्रोफाइल वुड बी क्रिएटेड ऑफ ईच एसएससी फॉर एग्जांपल इफ एन एसएससी एस डज नॉट प्रोवाइड आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म ही वुड बी कंसीडर मोर रिस्की आधार नंबर मस्ट है मेंशन करना द रिस्क प्रोफाइल ऑफ ऑल एस एस सी वुड बी बिल्डअप रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन वुड बी कैरीड आउट ऑफ यू सिलेक्टेड एस अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो कुछ सिलेक्टेड एस एस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द एस एस सी वुड फ्रॉम द बेसिक ऑफ सच सिलेक्शन दिस वर द पॉइंट दैट है कमिटी इन इट्स रिपोर्ट इट इंडेन सिम्स टू बी अ ग्रेटली